नमस्कार दोस्तों हर साल लगभग पांच लाख से ऊपर लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं जिनके दिलो दिमाग में आई बनने का ख्वाब पल रहा होता है पर क्या ये ख्वाब हम सिर्फ प्री क्वालिफाई करके पूरा कर सकते हैं जी नहीं इस सपने को अगर साकार बनाना है तो असली जंग हमें मेंस एग्जाम में लड़नी होगी जहां हमें ऑब्जेक्टिव मोड से होकर डिस्क्रिप्टिव मोड पर आना पड़ेगा बिकॉज मेन्स इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग इट इज दिस आंसर राइटिंग ओनली दैट विल कंफर्म योर सीट दैट विल हेल्प यू गेन मैक्सिमम मार्क्स एंड टॉप रैंक्स बट हाउ टू एक्सेल इट कैसे करें हम इसे बिकॉज आंसर राइटिंग के लिए सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है एज अलॉन्ग विथ नॉलेज वन हैज टू एक्सेल विद टेक्निक्स वे ऑफ आंसर राइटिंग कौन से कीवर्ड लाइक एक्सप्लेन डिस्क्राइब कॉमेंट या एलुसिडेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा का क्या इंडिकेशन है क्या महत्व है कहा आंसर को कंपेयर करना है कहा नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करना है दिस इज थिंग विच विच यू हैव टू गेट प्रो विथ एक्चुअली टॉपिक को सिर्फ समझना नहीं है बिकॉज अगर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर पे है तो एवरी वन विल बी लाइक राइटिंग द सेम फीचर सो इन दिस केस अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं तो यू नीड टू हैव दैट स्किल टू राइट सेम इंफॉर्मेशन इन अ बेस्ट एंड यूनिक वे पॉसिबल सो अंडरस्टैंड द पिक्यूलैरिटीज टू गेट एन एज टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स एंड ओवरऑल टू डेवलप योर आंसर राइटिंग स्किल्स ज्वाइन माई कोर्स ऑन हैबिट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू सो मच जय हिंद